नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी करो यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप लोग पता होगा कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा हाफ ईयरली एग्जाम 2021 के लिए कक्षा 11वीं इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, मैं आप लोगों को इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इन क्वेश्चंस को आप लोगों को जरूर पढ़ना है और 100% तैयार कर लेना है सभी क्वेश्चंस को जितने मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए रहने वाले हैं, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश में नोटिस आने वाली है। जी हाँ, नोटिस ये आप लोगों को लिखने को आएगी, और तो ये आप लोगों के लिए कुछ मैंने नोटिस लिखी है, क्वेश्चन लिखे हैं नोटिस के लिए जिन्हें आप लोगों को तैयार करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है नोटिस का, तो ये तो आपके रिवीजन टेस्ट में आ चुका है, और सेकंड क्वेश्चन भी जो आपका नोटिस का है ये भी आ चुका है। लेकिन आप लोगों को फिर भी इन दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। और जो तीसरा नोटिस है, और चौथा जो नोटिस है, और जो आपका लास्ट है ये वाला ब्लड डोनेशन कैंप वाला नोटिस, तो इन जो पांच नोटिस है मैंने आप लोगों को बताया है, इनको आप लोगों को अच्छी तरह तैयार कर लेना है, इन सही पांच क्वेश्चंस को, जिससे आप लोगों को 3 या 4 नंबर फिक्स हो जाएं। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका है वो है पोस्टर मेकिंग। आपके पेपर में पोस्टर मेकिंग के लिए क्वेश्चन जरूर आएगा, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं पोस्टर मेकिंग के लिए जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन हैं पोस्टर मेकिंग के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। तो अच्छी तरह से देख लीजिए और इनको भी आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों स्टार्ट होता है लेटर एंड एप्लीकेशन का। तो ये भी दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लेटर या एप्लीकेशन से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पहला जो ये जो लेटर है, दूसरा लेटर हो गया, तीसरा हो गया, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, आपके एग्ज़ाम के लिए, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग इनको अवश्य पढ़िएगा। 5 मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो आप लोग क्रमशः अच्छी तरह से देख लीजिए लेटर एंड एप्लीकेशन को, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। ओके, तो आप लोग इनको तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका पैराग्राफ राइटिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया, और एक है दोस्तों लास्ट। दोस्तों आप लोग पता हो कि जब आपके पैराग्राफ राइटिंग आती है आपके एग्जाम में, तो एक टॉपिक दिया रहेगा और नीचे दिए रहेंगे आपके दोस्तों पॉइंट्स। इन पॉइंट्स में आप लोगों को एक स्पीच तैयार करना है, एक आर्टिकल तैयार करना है, या फिर एक रिपोर्ट तैयार करना है। तो कुछ इस तरह का प्रश्न होता है, आप लोग देख लीजिए। जैसे तीसरा क्वेश्चन जो है ये इस तरह का मेन टॉपिक रहेगा, और कुछ आपके पॉइंट्स दिए रहेंगे कि इन पॉइंट्स में आप लोगों को पैराग्राफ राइटिंग लिखना है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों पॉइंट्स लिखे थे लेकिन मैंने नहीं लिखा है, तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग तैयार कर लेना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया पैराग्राफ राइटिंग का, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया, और चौथा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ है, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट करता हूँ। और दोस्तों ये हो गया चौथा क्वेश्चन। ओके, तो 4 टॉपिक्स पर दोस्तों मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं आप लोगों के लिए ढूंढकर। तो 4 दोस्तों अलग अलग टॉपिक्स पर हैं, और कोई भी टॉपिक्स दोस्तों आपके एग्जाम में दे सकता है, तो आप लोग तैयार कर लेना सभी क्वेश्चंस को। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से। अब चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं दोस्तों आपके जो बुक में लेसन क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो उनके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग लेसन में। लेसन दोस्तों जो लेसन आपके एग्जाम में आने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम में, तो उन्हीं के हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है लेसन 1, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो फर्स्ट लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहे, तो आप लोग
इन क्वेश्चन को देख लीजिए और इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप लोग देखते जाइए इन सभी क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स ये 8 क्वेश्चन हो गए लेसन 1 के, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लेना। फ्रेंड्स लेसन 1 के ही जो अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो छूट गए थे तो वो यहाँ लिखे हैं, तो इनको भी आप लोग देख लीजिए, लेसन 1 के ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो है लेसन 1 ये है, लेकिन लेसन 1 की जो पोएम है अ फोटोग्राफ, तो इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहे, तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए और इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों स्टार्ट होता है सेकंड लेसन, जो कि है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहे, आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से और सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका लेसन है लेसन 4, जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। दोस्तों आप लोग पता होना चाहिए कि लेसन 3 जो है वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं आया, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। दोस्तों लेसन फर्स्ट हो गया और लेसन सेकंड और लेसन 4, इन्हीं लेसन से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, तो लेसन 4 हो गया लैंडस्केप ऑफ द सोल, तो इस लेसन के आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलिए देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद दोस्तों लेसन 4 ही है, जो कि पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, तो इस लेसन के भी दोस्तों आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलिए देख लीजिए। दोस्तों जितने मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में आने के बहुत अधिक चांसेस हैं। ओके, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो लेसन बाय लेसन दोस्तों हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ओके, तो चलिए आप लोग देख लीजिए। दोस्तों मैंने विकल्प नहीं लिखे हैं सभी क्वेश्चंस में, एक भी विकल्प नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट मैं आप लोगों को आंसर देने वाला हूं। अब दोस्तों आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोस्तों विकल्प वाले होंगे, वैकल्पिक क्वेश्चन, जिनमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूं, क्योंकि यदि आपसे आंसर बनेगा तो आप लोग विकल्प भी दोस्तों अच्छी तरह से ढूंढ पाएंगे और आंसर भी आप लोग ढूंढ लेंगे। तो चलिए डायरेक्ट आंसर आप लोग देखते जाइए, क्वेश्चन ये है और इसके आंसर ये है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लेसन बाय लेसन आप लोग देख लीजिए। दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो क्वालिटी जो साफ नहीं दिख रही है, तो आप लोग एक काम करना, आप लोग इस वीडियो क्वालिटी को बढ़ा भी लीजिए, जिससे आप लोगों को यह वीडियो एकदम साफ दिखेगा, क्लियर दिखेगा। ओके, तो चलिए देखते जाइए आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो चलिए देख लीजिए।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लेसन है, लेसन वन ही है आप फोटोग्राफ जो आपकी पोएम है, तो इस लेसन के भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये रहे, तो आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद दोस्तों आपका सेकंड लेसन है, लेसन सेकंड, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। तो ये जो लेसन है इसके भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद दोस्तों आपका जो लेसन फोर है, लैंडस्केप ऑफ द सोल, तो इस लेसन के भी आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका लेसन फोर ही है, द वॉइस ऑफ द रेन, तो इस लेसन के भी दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब दोस्तों मैं आप लोगों को ये तो नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चंस आपके 100% सभी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन इनमें से दोस्तों कुछ क्वेश्चन तो आपके ज़रूर आएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि इसमें से अधिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इन क्वेश्चंस के भरोसे नहीं रहना है, आप लोगों को खुद से भी दोस्तों जो आपके इच्छा से जो आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, इंपॉर्टेंट लगते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप लोगों को तैयार कर लेना है, उन क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोगों को बैकअप के रूप में तैयार कर लेना है, और इन क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को 100% तैयार कर लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप लोग अच्छे नंबर पा जाएंगे, अच्छे अंक ले आएंगे आपके एग्जाम में। अब दोस्तों यदि ये क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो आप लोग जो बैकअप के रूप में जो क्वेश्चन तैयार किए हैं वो क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए जो मैंने क्वेश्चन बताए इस वीडियो में, इन क्वेश्चंस को आप लोग 100% तैयार कर लीजिए, यदि ये क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप लोग अच्छे अंक पा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।